हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमोल लाहौटी, वैरिकोज वेन एंड इंडोवास्कुलर स्पेशलिस्ट। आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ कि वैरिकोज वेन के ऑपरेशन के बाद में आपको क्या छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी प्रिकॉशंस लेना है। आपको यदि वैरिकोज वेन का लेजर का, RFA का, माइक्रोवेव का ऑपरेशन हुआ है या फिर इनफैक्ट सर्जरी भी हुई है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि 7 से 8 दिन तक 24 आवर्स यानी 24 घंटे आपको स्टॉकिंग पहनना है। आपको वो स्टॉकिंग सिर्फ नहाते समय निकालना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल, आपका यदि आज ऑपरेशन हुआ है तो कल से आप नॉर्मल वॉक, नॉर्मल डे टू डे रूटीन फॉलो कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। आपको रेस्ट की जरूरत नहीं है। बहुत बार पेशेंट को मालूम नहीं होता है, पेशेंट को डर लगता है कि अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझे डॉक्टर ने रेस्ट करने बोला है। फिर बहुत बार रिलेटिव्स बोलते हैं कि मुझे रेस्ट करना चाहिए, फिर पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए। तो पेशेंट को रेस्ट की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट पेशेंट ने डे टू डे लाइफ में उनका जो रूटीन वॉकिंग है, चलना फिरना कंटिन्यू करना चाहिए। तीसरी बात, उनका डाइट जो है स्टार्टिंग में 15 दिन तो भी बहुत हेल्दी रहना चाहिए। हेल्दी का मतलब ज़्यादा नहीं है, बट प्रोटीन रिच डाइट रहना चाहिए। डाइट में ब्रेड, मैदा, बिस्किट्स, ऑयली फूड कम से कम रहना चाहिए, फिर ना बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप दालें, सब्जियाँ, बाद में अंडे, या फिर आप नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज भी आप खा सकते हैं। इसके साथ साथ आपका यदि ज़्यादा देर तक एक जगह पे खड़े रहने काम है तो स्टार्टिंग में 15 दिन आप एक जगह पे खड़े ना डालें, या फिर आपको यदि लगता है कि आप खड़े ना डाल नहीं सकते तो आपने छुट्टी भी लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग उनके पैरों पे जख्म है, उन्हें उसके पैरों के जख्म की रेगुलरली एवरी थर्ड डे, एवरी फोर्थ डे या फिर 3 से 4 दिन में एक बार ड्रेसिंग करना चाहिए डॉक्टर के पास जाके ही। और उसके साथ साथ जो आपको डॉक्टर्स स्टार्टिंग में 5 से 7 डेज एंटी इंफ्लेमेटरी बाकी मेडिसिन देते हैं, वो आपको रेगुलरली लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से रेगुलरली फॉलो में रहना चाहिए। थैंक यू।